हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, हमने जो काम किया था दिल्ली में, उसका हमने दोस्तों आज फाइनल टर्मिनेशन कर दिया। यानी कि जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल का वर्क था, हमने सभी कर दिया है और हमारा सिर्फ बाथरूम में और किचन में हमारा एक बोर्ड लगाना रह गया है। तो दोस्तों, आप बाथरूम देख सकते हैं पहले हमारा किस तरह का था, और इसी का हमने आपको जो टंकी फिटिंग का कार्य दिखाया था, वही ये बाथरूम है। आप देख सकते हैं पहले ओल्ड बाथरूम कैसा दिख रहा था और न्यू टाइल्स वगैरह लगने के बाद, मॉडिफाई होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो दोस्तों, इसमें हमने अपना इलेक्ट्रिकल वर्क कर दिया है, बट हमारा एक होल्डर और बोर्ड लगाना रह गया है बाथरूम में। वो हम आज लगा देंगे और इससे नेक्स्ट दिन हम इसको फाइनल दिखा देंगे कि क्या क्या बोर्ड लगाया है। तो वहाँ पे हम होल्डर लगा देंगे और यहाँ पे हम एक सॉकेट लगा देंगे जो कि हमारा 16 एम्पियर का होगा और ये गीजर के लिए है। ये वीडियो में हम पहले भी बता चुके हैं कि यह हमारा गीजर का सॉकेट था। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके सामने बाद हमारा जो ये बाथरूम का बोर्ड है, ये हमने लगा दिया है। और इसके ठीक सामने हमने जो MCB बॉक्स तक सारे सर्किट उतारे थे, वो हमने फाइनल टर्मिनेशन कर दिया है। तो दोस्तों, MCB बॉक्स की हमने वायरिंग कर दी है और हम अनफॉर्चुनेटली सूट नहीं कर पाए थे। आप यह दो वायर देख रहे हैं, एक येलो कलर का और एक है हमारा ब्लू कलर का। ये दोनों हैं बेल के वायर। दोस्तों, जो स्विच बेल डोरबेल जो लगती है उसका वायर है। और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने इनको अच्छे से जॉइंट कर दिया है। जो आप मेरे हाथ में ये वायर देख रहे हैं, यही वो वायर है जो हमारा जंक्शन में निकले हैं। तो ये डोर बेल का वायर है और प्रॉपर टाई लगा के हमने इस तरह से इसमें डाल दिया है। तो ये हमारा इस तरह से गया हुआ है और यहाँ से इस तरह से है हमारा रूट, और इसके ठीक सामने हमारा लग रहा है डोर बेल। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है। तो ये हमारा देख सकते हैं डोर बेल है। तो यहाँ पर हमारा डोर बेल लगा है और ये हमारा MCB बॉक्स की वायरिंग है। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया है और इस तरह से एक हम सर्किट लाए हैं इसके लिए, जो कि हमारा 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट लगा हुआ है और जिससे हमारा ये पानी का मोटर चलता है, जिसको टुल्लू पंप भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये मोटर चल रहा है इस सर्किट से। और इस सर्किट का कनेक्शन जो हमने किया है, वो किया है हमने AC वाली MCB में। तो इसमें किया है, अभी इसमें लोड कुछ नहीं है, AC लगा नहीं है। तो इसलिए हमने जो मेन वायर दिया है दोस्तों, वो हमने दिया है यहाँ पर DP के नीचे। जो रेड रेड कलर के आप वायर देख रहे हैं, वो है ऊपर की मंजिल का, जो हमारा दूसरा MCB बॉक्स लगा है वहाँ पर। तो वहाँ का ये रेड रेड कलर का, दोनों रेड कलर का जो वायर है वो ऊपर का है, और जो दोनों व्हाइट कलर का वायर है दोस्तों, वह नीचे का है। आप देख सकते हैं, तो जो व्हाइट कलर का है वह इससे नीचे का चल रहा है पूरा, और जो आउटपुट में है दोस्तों, वो आउटपुट में हमारा चल रहा है सभी सर्किट की लाइन। तो सर्किट की सभी को इन फेस वायर हमने इस तरह से लूप कर दिया है सभी MCB में। और जो न्यूट्रल है दोस्तों, वो हमने सिर्फ जो नीचे हमारा 16 एम्पियर का सॉकेट लग रहा है उसके लिए न्यूट्रल दिया है, प्लस AC के हमने वायर में जो कि हमारा 2.5 mm का है उसमें न्यूट्रल लूप किया है, और सारे न्यूट्रल हमने यहाँ पे कॉमन कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों, यह जो MCB बॉक्स है, वह हमारा ओल्ड MCB बॉक्स है जिसमें हमारा न्यूट्रल लिंक नहीं है, तो इस तरह से हमको करना पड़ा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। और सारे सर्किट की हमने ड्रेसिंग इस तरह से कर दी है। तो जो लास्ट वाली MCB से हमारा जो चल रहा है, वो चल रहा है हमारा दोस्तों जो रूम जिसमें हमारे दो फैन लगे हुए हैं, जिसमें हमने AC का सॉकेट दिया था वो रूम, प्लस हमारा एक जो जिस जहाँ पे हमारा RO का पॉइंट बना हुआ था, वो दोनों सर्किट इससे चल रहे हैं। और इससे चल रहा है हमारा बरांडे का सर्किट, और इस वाले से चल रहा है हमारा बाथरूम वाला सर्किट, और इससे चल रहा है हमारा AC का, प्लस नीचे जो ये वाला बोर्ड लगा हुआ है, ये दोनों हमारे एक MCB से रन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, हम एक फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हमने MCB का प्रॉपर वायरिंग किया है, जो कि टाई लगा के किया है और फिनिशिंग के साथ काम किया है। दोस्तों, काम कहीं पे भी करो, फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों काम में फिनिशिंग होगी तभी दोस्तों आपके काम की तारीफ होगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने काम को अंजाम दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये हमारा पहला वर्क था लाइफ का दिल्ली में। तो इस तरह से दोस्तों हमने मॉडिफाई कर दिया है, और आप घर का लुक देख सकते हैं, पूरा मॉडिफाई कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा एक बोर्ड था, वह हमारा फाइनल किचन में हमारा तोड़फोड़ कर दिया था, इसीलिए हमें ये दूसरा रूट बनाना पड़ा, जिससे हमें TV के स्विच बोर्ड हमें चलाने पड़े, जिसमें हमने आपको बता दिया है कि हमारा एक स्विच से दो सॉकेट रन कर रहे हैं और एक स्विच से एक सॉकेट रन कर रहा है। इसके बाद फ़ैन वगैरह हमने सब लगा दिया है और यहाँ पर ट्यूबलाइट लग गई है। तो यहाँ पर दोस्तों, पार्टी ने जो पहले बल्ब के लिए बोला था, पर बाद में हमारा बोला है कि हमको ट्यूबलाइट लगाना है यहाँ पर। तो हमारा इस वाले हमने दो रेगुलेटर लगाए हैं, बाकी हमारा स्विच है और इससे हमारा ये चलेगा, और दो स्विच से हमने, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 ही पॉइंट बन रहा था। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे वायरिंग किया है, आप भली भांति समझ गए। अगर दोस्तों आप पहले से पार्टों को देखते आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक पावर प्लग भी लगाया था, जो कि दीवार काट के लगाया था, जो कि पार्टी ने बाद में डिसाइड किया था। तो इस तरह से दोस्तों वायरिंग हमने की थी, और ठीक इसके सामने दोस्तों हमारा रूट कुछ इस तरह से आया है MCB बॉक्स की तरफ से। तो यहाँ से दोस्तों आप, ये हमारा 6 मॉड्यूलर का बोर्ड है, जिसमें हमने
ये एक बल्ब का पॉइंट है। यहाँ पे भी हमने ट्यूबलाइट लगाया है। जितने भी दोस्तों इस घर में लगाए पहले बल्ब की बोल रहे थे, बट यहाँ पे कुछ ही होल्डर लगे हैं, बाकी सब ट्यूबलाइट ही लगी है। और यहाँ पे 16 एम्पियर का है जो कि फ्रिज के लिए है। और इसके ठीक सामने दोस्तों है हमारा रूम, तो रूम को हम बाद में दिखाएंगे, उससे पहले बात करते हैं किचन की। तो दोस्तों किचन में हम बाद में चलेंगे, अब हम रूम में आ चुके हैं। तो रूम में कुछ दोस्तों देख सकते हैं, सारे फैन इस तरह से लगा दिए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आई थी, हमने ये पॉइंट ऊपर कर दिया है, ये भी कर दिया है। दोस्तों जो फैन, पहले पार्टी बोल रही थी कि फ़ैन ऐसे ही लटका दो, फिर पार्टी ने बोला कि फ़ैन को थोड़ा ऊँचा करो, तो दोस्तों हमने वो करने में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और किस तरह से फाइनल लुक लग रहा है मैं आपको कल वीडियो दूसरी शूट करूँगा उसमें दिखा दूँगा। तो यहाँ पर ए सी का सॉकेट है ये, और इसका जो कंट्रोल होगा दोस्तों वो यहाँ से होगा। दोस्तों जितने भी हमारे पॉइंट थे सभी हमने लूप करके टेप लगा के इसमें बंद कर दिए हैं और सीट लगा दिया है। तो इस तरह से कनेक्शन हुए हैं दोस्तों, ये भी सेम है। और जो इसमें डीपीएमसी भी आपको दिख रहा है वो है एसी का। ये चारों पॉइंट के स्विच हैं, तो इससे दोस्तों हमारा एक बल्ब जलता है वो वाला, और इससे हमारा बंद भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने काम को दोस्तों इस तरह से फिनिशिंग किया है कि यह हमारा आप देख सकते हैं, इसकी बात कर रहा था मैं, ये हमारा एसी का है। इसको हम उठाएँगे तो दोस्तों एसी के सॉकेट में हमारी पावर पहुँच जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों एक पावर प्लग है, और इस तरह से दोस्तों हमने एक रूट बनाया था जो कि किचन की तरफ गया था हमारा। अगर आप पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि वह कौन सा रूट था। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये किचन की तरफ गया है, और हम किचन दिखाते हैं आपको कि किचन किस तरह से बन गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किचन कुछ हमारा इस तरह से बन गया है। और दोस्तों यह भी दोस्तों इसमें भी हमने स्विच सॉकेट लगाने के बाद भी एक स्लिप आया था, फिर भी हमको प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि दोस्तों सिटी में जो काम किया जाता है वहाँ पर चेंजिंग चलता रहता है, तो दोस्तों उसी हिसाब से काम किया जाता है। यानी कि एक स्विच से हमारे ये दो सॉकेट चलेंगे, और हमारा फाइनल इससे हमारा एक सॉकेट ये बल्ब जलेगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला बल्ब जलेगा एक स्विच से, इधर वाले से, और उधर वाले से दोस्तों हमारा ट्यूबलाइट ऑलरेडी जल रहा है, आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे। तो ये हमारा जल रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों काम हमने कुछ इस तरह से किया था दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर टाइल्स लग गई है दोस्तों। यहाँ पर टाइल्स लगने के बाद हम अपना स्विच बोर्ड लगा देंगे, जो कि जिसमें हमारा 6 मॉड्यूलर का बोर्ड होगा, और एक सॉकेट होगा, और एक हमारा स्विच होगा। और आप देख सकते हैं सिनेमैटिक शॉट के थ्रू कि जो किचन की फिनिशिंग की गई है बहुत ही अच्छे से की गई है दोस्तों। आप देख सकते हैं किचन का लुक इस तरह से एनहेंस कर दिया है, पहले तोड़फोड़ होने से कि पहले बहुत ही बुरा लग रहा था, बट अब बहुत ही अच्छा कर दिया है। घर का लुक काफ़ी इनहेंस हो चुका है काम होने के बाद। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप भी कहीं पे भी काम कर सकते हैं, दिल्ली हो या कोई भी एक स्मार्ट सिटी में काम कर सकते हैं, दिल्ली नोएडा। तो दोस्तों ये हमारा पहला वर्क था दिल्ली का, और हमने इसको भलीभांति संपूर्ण कर दिया है। और दोस्तों जिनके यहाँ हमने वर्क किया था वह भी हमसे बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी वायरिंग कर सकते हैं कुछ फिनिशिंग। दोस्तों फिनिशिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, आप कहीं भी काम करें, गांव में करें, देहात में करें, या फिर करें आप सिटी में, या फ्लैट की वायरिंग करें, या कहीं पर भी, या किसी सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पे फिनिशिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे भी हमने सारा कुछ लगा दिया, जितना भी हमारा स्विच सॉकेट था वो हमारा दोस्तों बाथरूम में, और किचन में हमारा एक बोर्ड लगाना रह गया था, वो भी हमने न्यू कटिंग किया था। किस तरह से हमने नया रूट बनाया है, जिससे हमारा रूट चौक हो गया था, तो हमने एक नया रूट बनाया है। आज भी हमने झिरी काट के और अच्छे से बोर्ड लगाया है, तो वो किस तरह से लगाया है मैं आपको अगली वीडियो शूट करूँगा उसमें आपको बता दूंगा कि किस तरह से किया है। दोस्तों इसका जो अब आएगा वो फाइनल पार्ट आएगा, इसके बाद दोस्तों इस घर का कोई भी नहीं आएगा। और इसमें आएगा दोस्तों लास्ट में कस्टमर का फीडबैक, जो इससे अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम कस्टमर का एक फीडबैक लेंगे, जिसमें हम बताएँगे कि हमारे द्वारा किया गया कार्य उनको किस तरह से लगा, और वो हम पे किसी और साइट का काम करवाना चाहेंगे या नहीं करवाना चाहेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इस तरह की यूनिक जानकारी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी यूनिक से टॉपिक के साथ। वीडियो में नए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।